स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल परफेक्ट मोबाइल सोल्यूशन पर दोस्तों मेरे पास ये जो डिवाइस है ओप्पो ब्रांड की है बैक साइड में नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ओप्पो की ब्रांडिंग है इसका मॉडल नंबर आपको बता देता हूं मॉडल नंबर है ओपो ए फिफ्टी ध्यान से सुन लीजिए मॉडल नंबर है ओप्पो ए फिफ्टी डिवाइस में प्रॉब्लम यह है दोस्तों की डिवाइस हमारी जीमेल आई लॉक है यानी कि एफ लॉक है गूगल अकाउंट लॉक है ओके okay, इस वीडियो में मैं आपको ओप्पो ए फिफ्टी का एफ आर बाईपास करने का बिल्कुल फ्री तरीका बताऊंगा ध्यान दीजिए ये जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा इस ट्रिक को फॉलो करके आप ओप्पो के उन सारे मॉडल्स का सारे मोबाइल का एफ आरपी बाईपास कर पाएंगे जिसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड थर्टीन से अप टू डेट होगा सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि मेरे पास ये जो डिवाइस है ओपो ए ये पूरी तरह से एफ लॉक है यानी कि जीमेल आई लॉक है यहां पे देखिए ये मैसेज आ गया कनेक्ट टू वाईफाई वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं अगर इस ऑप्शन को हम ऊपर से स्किप करेंगे ना तो ये देखिए यहां पे ये मैसेज आता है इस मैसेज का मतलब ये हुआ कि यहां पे आप अपने डिवाइस को किसी वाईफाई से कनेक्ट करिए करें क्योंकि डिवाइस में नेट का चलना जरूरी है तो यहाँ पे डिवाइस को मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया डिवाइस कनेक्ट हो गई अब यहां नीचे से करेंगे नेक्स्ट कुछ सेकंड वेट करिए आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पास ये जो डिवाइस है ओप्पो ए फिफ्टी नाइन फाइव जी ये पूरी तरह से एफ लॉक है यानी कि जीमेल अकाउंट लॉक है यहां से सिंपल आपको डोंट कॉपी पे क्लिक करना है और ये ये लीजिए, प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है जब आपकी डिवाइस एफआरपी लॉक होती है अब डिवाइस का एफ आरपी करने के लिए यहां आपके पास एक ऑप्शन है इंटरलॉक स्क्रीन पासवर्ड यानी कि डिवाइस में पहले ये पासवर्ड लगा हुआ था आपको ये पासवर्ड यहां पे वेरीफाई करना होगा एंटर करना होगा और पासवर्ड हमें नहीं पता है पासवर्ड की जगह पे पैटर्न या पिन भी हो सकता है क्योंकि पासवर्ड का ऑप्शन है और पासवर्ड हमें नहीं पता है तो इस ऑप्शन को ऊपर से हम कैंसिल करेंगे और अब देखिएगा अब आगे लिख कर आएगा वेरीफाई योर अकाउंट यानी कि आगे चल के डिवाइस का एफ बाईपास करने के लिए हमें इसी डिवाइस का जी मेल यानी कि ई मेल वेरीफाई करना होगा ये देखिए वेरीफाई योर अकाउंट ई और फोन का ऑप्शन आ गया

अब ऊपर की तरफ देखेंगे दोस्तों कोने में आपको थ्री डॉट दिखेगा इस पर क्लिक करिए उसके बाद आप सेयर आर्टिकल पे क्लिक करिए जैसे ही शेयर आर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों सेयर के ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे पे पे दिखता है मैसेज आप मैसेज आप क्लिक करें उसके बाद आपको क्लिक करना है न्यू न्यू मैसेज मैसेज पे मैसेज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों टाइप नेम फोन नंबर का ऑप्शन आएगा तो ऊपर की तरफ आपको टाइप करना वन टू वन वन टू वन टाइप करने के बाद ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहां पे देखेंगे मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा आपको करना क्या दोस्तों सेलेक्ट करना है और इसे डिलीट कर देना है अब यहाँ पे दोस्तों आपको स्मॉल लेटर में टाइप करना है डब्ल्यू 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 डॉट यूट्यूब डॉट कॉम डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं क्लिक कर दें यहां पे देखेंगे आपको दिखेगा टैप टू लोड प्रीव्यू आप इस पर क्लिक करें कुछ सेकंड वेट करें तो यहां पे आपको यूट्यूब दिखेगा आप यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके डिवाइस में यूट्यूब का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा ध्यान दीजिए परमिशन जो भी आए सारे परमिशन को आपको अलाउ करना है कोने में देखिए अकाउंट का ऑप्शन है आप अकाउंट पे क्लिक करिए उसके बाद आपको क्लिक करना है सेटिंग पे सेटिंग के बाद आप अबाउट पे क्लिक करें उसके बाद यूट्यूब टर्म आप सर्विसेज दिखेगा इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे आपकी डिवाइस में क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा लास्ट में आपको दिखता है यूज विदाउट एन अकाउंट आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें उसके बाद आप नो no थैंक्स पे क्लिक करें ये ब्राउजर पूरी तरह से ओपन हो गया ये एड्रेस बॉक्स है आप यहां पे क्लिक करें यहां पे आपको टाइप करना है एड रोम एड टाइप करने बाद आप एंटर कर दें आपको एक वेबसाइट दिखेगी, बाईपास गूगल अकाउंट 2024, आप इस पर क्लिक करिए तो आप देखेंगे आपके डिवाइस में एड की मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी अब देखिए दोस्तों ओपन सेटिंग का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करिए तो आप देखेंगे आपके डिवाइस की मेन सेटिंग ओपन हो जाएगी देखिए डिवाइस की मेन सेटिंग यहां पे ओपन हो गई आपको मैं इसका एंड्रॉय वर्जन और मॉडल नंबर कंफर्म कर देता हूं अबाउट डिवाइस पे क्लिक करूंगा मॉडल नंबर देखिए ओप्पो ए फिफ्टी और इसका जो एंड्रॉइड वर्जन है दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट से से डिवाइस हमारी है। ओके। अब यहां से हम बैक आते हैं डिवाइस की मेन सेटिंग में सेटिंग में आने के बाद ऊपर आइए ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन आप इस पर क्लिक करिए उसके बाद आपको क्लिक करना है होम स्क्रीन लेआउट पे जैसे ही आप होम स्क्रीन लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों आपके डिवाइस का जो होम स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगा ये देखिए डिवाइस का होम स्क्रीन ओपन हो गया ध्यान दीजिए ये सिर्फ डिवाइस का होम स्क्रीन ओपन हुआ है अभी आपकी डिवाइस अनलॉक नहीं हुई है जब आपकी डिवाइस अनलॉक हो जाएगी तो ऊपर से जो नोटिफिकेशन पैनल है ना ये प्रॉपर वर्क करने लगेगा ये देखिए ये ओपन नहीं हो रहा है ओके देखिए दोस्तों अब इस डिवाइस का मेन्यू ओपन करिए यहां एक एप्लीकेशन दिखेगा क्लोन फोन आप सिंपल क्लोन फोन एप्लीकेशन ओपन कर लें, ये देखिए क्लोन फोन एप्लीकेशन ओपन हो गया अब देखिए दोस्तों अब आपके पास होना चाहिए एक डिवाइस, किसी भी ब्रांड की एक दूसरी एंड्रॉयड डिवाइस आप ले लें तो यहां पे देखिए दोस्तों मैंने एक दूसरी एंड्रॉइड डिवाइस ले ली है ठीक है अब ध्यान से देखिए इस डिवाइस में आपको करना क्या है अब दोस्तों क्लोन फोन सेम एप्लीकेशन इस डिवाइस में आपको इंस्टॉल करना है ठीक है तो इसके लिए आप करेंगे क्या प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो यहां से मैं प्ले स्टोर यहां पर ओपन कर लेता हूं ठीक है प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहां सर्च पे क्लिक करेंगे यहां पर आपको सिंपल टाइप करना है क्लोन फोन क्लोन फोन टाइप करके एंटर करेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिए ये रेड कलर का जो एप्लीकेशन है क्लोन फोन वन प्लस ऐप आप। आपको इस एप्लीकेशन को सिंपल इंस्टॉल कर लेना ठीक है तो इस एप्लीकेशन को मैं इस डिवाइस में इंस्टॉल कर लेता हूं ओके okay, क्लोन फोन एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया अब मैं इस एप्लीकेशन को यहां से ओपन कर लूंगा ठीक है अब देखिए दोस्तों दोनों एप्लीकेशन का इंटरफेस सेम है

ओके डेटा रीडिंग कंप्लीट हो गया अब देखिए दोस्तों यहां पे सबके सामने चेक है आपको सबको अनचेक करना है उसके लिए सबसे ऊपर की तरफ देखिए जो बॉक्स बॉक्स आपको आपको दिख रहा है इस को आप चेक करें करें और यहां यहां से इसे अनचेक okay, अनचेक ओके करने के बाद बिल्कुल लास्ट में आए दिखेगा ऐप आप सिंपल एप्स पे क्लिक करें तो आप देखेंगे सारे एप्लीकेशन की लिस्ट यहां पे आ जाएगी ठीक है आपको करना क्या रैंडम कोई एक एप्लीकेशन चेक करना है कोई भी एक एप्लीकेशन आप उसे चेक करिए ओके कोई भी एक ओके उसके बाद ऊपर से आप ओके कर दीजिए

तो इसमें से कोई एक आप यहां से सिंपल सेलेक्ट करें उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें इस ऑप्शन को आपको सिंपल स्किप कर देना है यहां से सिंपल आप डन पे क्लिक कर दें ओके okay, यहां से इस ऑप्शन को आप स्कीप कर दें कलर ओएस नीचे की तरफ मिलता गेट स्टार्टेड आप इस पर क्लिक करें और बस आपकी डिवाइस ओपो ए 5G, पूरी तरह से एक्टिव हो, हो गई और दोस्तों आप देख सकते हैं डिवाइस हमारी कंप्लीटली अनलॉक हो गई अब ध्यान दीजिए जब डिवाइस आपकी अनलॉक हो जाएगी तो ऊपर से जो दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल है ना ये प्रॉपर वर्क करने लगेगा तो आप देख सकते हैं देखिए नोटिफिकेशन पैनल प्रॉपर वर्क कर रहा है ओके okay, तो दोस्तों ये पूरा फुल प्रोसेस था ओप्पो ए फिफ्टी का एफ आरपी बाईपास करने का यानी कि डिवाइस का जीमेल आई लॉक रिमूव करने का वीडियो कैसी लगी कमेंट कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही शानदार इंटरेस्टिंग की कंटिन्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बगल में जो बिलाकन है उसे भी प्रेस करें एक चीज और अगर दोस्तों आपको डिवाइस परचेज करनी हो तो इसके सारे कलर सारे वेरियंट का परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दिया आप चेकआउट कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी ब्रांड कोई भी डिवाइस घर बैठे बैठे अनलॉक करवानी हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो